इस टॉपिक में हम मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सलिक एसिड देखेंगे तो टोटल हम फाइव रिएक्शंस फाइव टाइप्स के रिएक्शंस की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे तो वो हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड अल्दीहाइड्स फिर अल्केन नाइट्राइल्स की हेल्प से प्रिपेयर करेंगे ग्रिगनाड रिएजेंट की हेल्प से प्रिपेयर करेंगे इसी तरह हम एस्टर्स के हाइड्रोलोसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे एंड लास्ट में हम अल्किस के ऑक्सीडेटिव क्लेवर्ज से भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं तो जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का इसके अंदर हम प्राइमरी अल्कोहल्स या प्राइमरी अल्डिहाइड की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं तो हम प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे एंड आई एम श्योर आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है और स्ट्रॉन्ग भी वो होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और आ, कोई मिनरल एसिड जैसे कि एस टू एसओ फोर यूज करेंगे जिसकी वजह से हमें एक ऑक्सीजन एटम अवेलेबल हो जाएगा तो हमारी प्राइमरी अल्कोहल होगी ऑक्सीजन आएगा और हमारे कार्बन एटम को ऑक्सीडाइज करेगा यानी उसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा एंड हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनती है जो हमारी एल्डिहाइड भी बनती है तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक aldehyde बनेगा aldehyde को करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो यू नीड टू रिमेंबर कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें तो हमें एसिडलहाइड अल्डीहाइड मिलेगा और अल्डीहाइट की रिडक्शन करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा ये प्राइमरी है इसी तरह अगर सेकेंडरी अल्कोहल होती तो हमें अल्टीहाइड की बजाय एक कीटोन मिलता है और अगर कीटोन को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें इवेंचुअली कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता तो ये जो रिएक्शन है ये जनरल रिएक्शन है जिसमें हमने आर लिखा है आर की बजाय अगर हम मिथाइल ग्रुप लें तो तीन कार्बन आइटम हो जाएंगे दो कार्बन आइटम हो जाएंगे दो कार्बन आइटम जो है हमारे एथेनॉल में होते हैं एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो हमारे पास एथेनल बनेगा एथेनॉल का मतलब एसिटल डिहाइड फर्दर एसिटल डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड या जिसे हमने एथनॉइक एसिड कहा था वो बनेगा अब अगेन यही जो सारा काम हमने किया ये हम डायरेक्ट अल्डिहाइड से भी कर सकते हैं यानी हम अल्टीहाइड लें और उनको अल्टीहाइड बड़े इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एग्जाम्पल हम टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हैं जिसे हमें हमने कहा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है उसमें भी क्या होगा हमारे पास एक अल्डिहाइड होगी फॉर एग्जाम्पल हम रिएक्शन देखते हैं जहां पर एसिटल्डीहाइड लेंगे ऑक्सीजन आएगी उसको ऑक्सीडाइज करेगी और हमारे पास एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड बन जाएगा सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है इसमें हम अल्केन नाइट्राइल की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नाइट्राइल्स क्या होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर साइनाइड ग्रुप हो उन्हें हम नाइट्राइल कहते हैं साइनाइड का मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ये हमारा साइनाइड ग्रुप होता है तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम r और हमारा ऑब्वियसली अल्काइल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ देन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ये हमारा अल्केन नाइट्राइल है तो हम आ, एसिड या अल्कली की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका यानी एक वाटर ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी आर सी ओ ओ एच प्लस एक अमोनिया का मॉलिक्यूल मिलेगा तो ये तो था हमारा जनरल रिएक्शन अगर इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो हमारे पास हम आर की बजाय मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एन वाटर एंड एचल लेंगे और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो एसिटिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड बनेगा अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ये अब हमारा इनऑर्गेनिक साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा अल्केन है इस केस में तो जो हमने सी इसमें एक कार्बन है लेकिन जो प्रोडक्ट हमारी बनी

और अल्कोहल की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करेंगे तो जो हमारे पास बनेगा वो आर एंड देन इसके साथ एक पोटेशियम हलाइड का मॉलिक्यूल होगा तो ये आप देख सकते हैं कि RX में जो हमने आ, लिया उसके अंदर अगर तीन कार्बन आइटम थे जो प्रोडक्ट हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की बनेगी उसमें चार कार्बन आइटम होंगे थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम एक ग्रिडनॉ रिएजेंट की हेल्प से भी प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रिडनॉ रिएजेंट के बारे में हम बड़ी डिटेल में पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि ये एक अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड होता है तो आर एम जी एक्स लेंगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे ड्राई ईथर में ड्राई ईथर का मतलब जिसमें मॉइस्चर ना हो एंड अगेन हमें पता है हमने डिटेल में पढ़ा था कि इतना रिएक्टिव होता है कि अगर जरा सी भी ट्रेसिस ऑफ मॉइस्चर या अल्कोहल मौजूद होंगी तो ये उसके साथ रिएक्ट कर लेता है तो हमारे पास बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम जी एक्स एन इससे जो हमारे प्रोडक्ट बनेगी वो आर सी डबल डब्ब ओ यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड एन मैग्नीशियम के साथ हलाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ तो ये तो एक जनरल रिएक्शन था अगर हम इसकी एक एग्जाम्पल दें तो हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले सक, लेंगे और हमें मालूम है कि ग्रिग्नोड रियजन की खसूसियत यही है कि वो कार्बन आइटम जो मैग्नीशियम के साथ अटैचड होता है वो पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है एंड ये कार्बन की बड़ी खास बात है कि यूजअली कार्बन इज ऑलवेज पार्शली पॉजिटिव इस केस में पार्शली नेगेटिव है जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शली पॉजिटिव कार्बन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा एंड अगेन हमारे पास एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनेगी वहाँ से हम एच प्लस यानी एक हाइड्रोक्सियम आयन यूज करते हुए एसिटिक एसिड अगेन मैग्नीशियम ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम Uh, हमने देखा कि ग्रिग नाउ से हमने प्रोड्यूस की uh, कार्बोक्सिलिक एसिड को अब हम हाइड्रोलिस करेंगे एस्टर्स का एस्टर्स आई एम श्योर यू रिमेंबर हमने पढ़ा था डिटेल में कि एक अल्काइल ग्रुप होता है उसके साथ C डबल बॉन्ड O एंड O के साथ एक और अल्काइल ग्रुप होता है जिसे हम एस्टर कहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक कॉन्सनट्रेटेड अल्कली के साथ उसको बॉयल करेंगे और यहां पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं तो जो चीज़ हमें बनेगी हमें दो चीजें मिलेंगी एक उस एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा और एक अल्कोहल मिलेगी जो सोडियम सॉल्ट है उसे हम डायल्यूट एच के साथ ट्रीट करवाएंगे अब बहुत ज्यादा एफिनिटी है इस सोडियम की इस क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बनेगी इसलिए H जो एसिड देगा वो Na को रिप्लेस कर देगा और हमें एक कार्बोक्सलिक एसिड मिल जाएगा तो ये जनरल रिएक्शन था अगर इसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखें तो हम इथाइल एसिडेट एस्टर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम एसिटेट और एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल बनेगा जो सोडियम एसिटेट है उसे जब एच के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड मिलेगा एंड दैट वॉज सिंपल प्रिपरेशन थ्रू हाइड्रोलोसिस ऑफ एस्टर्स नेक्स्ट जो फिफ्थ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हम अल्किस का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक करना तोड़ देना तो हम एक सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा हमने केमेनोफोर अल्किलनाइज केमेनोफोर लेनी है यानी बेस के साथ और जो हमें एक ऑक्सीजन देगी वो ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और जो हमें मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे इसकी ये तो जनरल रिएक्शन था स्पेसिफिक एग्जाम्पल में हम टू ब्यूटीन लेंगे ब्यूटीन का मतलब इसमें चार कार्बन एटम्स हैं एंड टू का मतलब जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो सेकेंड और थर्ड कार्बन के दरम्यान में है ऑक्सीजन जाएगी ब्रेक करेगी और हमें दो मॉलिक्यूल एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड के मिल जाएंगे तो ये हमारे थे जनरल मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार एम सी क्यूज़ उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिपो ई लर्निंग प्रोग्राम हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए ना सिर्फ इसे ख़ुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए